हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक बार फिर अपनी बोल्ड तस्वीरों से अपने फैंस को चौंका दिया है। साथ निभाना साथिया में संस्कारी बहू का किरदार निभाने वाली गोपी बहू आए दिन इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपनी खूबसूरत और बोल्ड तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। माना जा रहा है कि देवोलीना ऐसा इसलिए कर रही हैं, जिससे टीवी पर बनी उनकी घरेलू महिला का छवि बदल सके और बॉलीवुड में एंट्री के रास्ते आसान हो जाएं। ताज़ा फोटोशूट में देवोलीना बेहद ही बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं। IndianExpress.com से बात करते हुए देवोलीना ने कहा, इस फोटोशूट के बारे में पहले से कुछ भी तय नहीं किया था और अचानक से ही मैंने सोचा कि फोटोशूट के लिए चला जाए और सब हो गया। हालांकि मैं इस फोटोशूट के वक्त काफी नर्वस थी। आगे जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने ये फोटोशूट अपनी संस्कारी बहू वाली छवि को बदलने के लिए करवाया है, तो देवोलीना ने कहा कि मुझे इस छवि को बदलने की क्या जरूरत है, मैं अपने गोपी बहू के किरदार से काफी खुश हूँ और इसे बदलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, अपने किरदार के लिहाज से मुझे गोपी बहू बने रहना पसंद है, लेकिन देवोलीना होने के नाते मैं ये फोटोशूट अपने लिए करवाती हूँ। उनकी तस्वीरों पर लोगों के रिस्पांस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने हंसते हुए बड़े ही हल्के अंदाज में जवाब दिया कि सबका पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त और रिश्तेदार हमेशा मेरे हर फैसले पर मेरा समर्थन करते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान के सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के सवाल पर देवोलीना ने कहा कि मुझे लगता है कि इस तरह को लोगों को कोई काम नहीं होता है और वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ें, न कि किसी को ट्रोल करें।